बताओ पूरे संसार में सबसे प्यारा कौन है तुम्हें? मेरी माँ। कितना प्यार करती हो अपनी माँ से? बहुत 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 सारा। तो तुम्हें अपनी माँ की कसम है बहू, सच सच बताना कि तुम क्यों गई थी अंग्रेजी डॉक्टर के पास? माँ की कसम खाई है तो सच ही कहना, वरना परिणाम तो तुम जानती हो। बोलो क्यों गई थी डॉक्टर के पास? हे दुग्गा माँ, क्या करूँ मैं? एक तरफ काका ससुर को वचन दिया है कि अपनी बिस्तर गीला करने वाली समस्या के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी महापंडित को। बिस्तर गीला करने की समस्या है ना, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं निकालना उसे, समझी? पर दूसरी तरफ माँ की झूठी कसम भी तो नहीं खा सकती मैं, बचा लो दुग्गा माँ। ये डकार किसको आई? क्या आपको आई महापंडित जी? पर आपको कैसे आ सकती है डकार? आपने तो सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। और माँ कहती है डकार तभी आती है जब पेट भरा हुआ हो। पेट भरा हुआ है क्या आपका? बहू कैसी अशिष्टता कर रही है बहू, और इस तरह तो सबके सामने हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। बहू क्या क्या कह रही हो? इसीलिए शरबत नहीं पी रहे क्या बहू? से अच्छा होता है डकार आना, ये निशानी है कि सारा खाना हजम हो गया। और अब डकार आ गई है तो थोड़ी देर बाद अब फिर से खा सकते हैं। रसगुल्ला खाएंगे? चार चार हांडियां है रसोई में, चाहे तो इडली भी जा सकते हैं। मुझे तो वैसे भी नहीं मिलते हैं खाने को, पता है आपको? 2 दिन से डकार ही नहीं ली है मैंने। अरे क्या डकार की बातें कर रही, क्या बेकार की बातें कर रही हो बहू? नहीं, हमने कोई डकार नहीं लिए, और हम डकार क्यों लेंगे भला? हाँ क्यों लेंगे डकार भाई, बिल्कुल सही। पर मैंने सुनी है आपकी डकार, माँ कहती है बहुत तेज है मेरे कान, जरा सी भी आवाज सुन लेती हूँ मैं। सिर्फ कान ही नहीं, जुबान भी तेज है तुम्हारी। हाँ, पर ये माने ही, मामी कहती है। नाना दीदी बोल तो जाओ, अरे जान तो लू कि 3 बत्ती के शरीर में 6 गज की जबान छुपाती कहाँ है? वही जहाँ आप मामा जी के लाए सारे रसगुल्ले, संदेश और झाल मुरी छुपाती है। बस बहुत हुआ बहू। रुकिए त्रिलोचन बाबू, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि डकार हमने ही ली है? आप सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते हैं? देवी माँ की। तो क्या देवी माँ को बुलवाओगी अब? हाँ। हाँ, अगर आप दुग्गा माँ को इतना मानते हैं तो खाइए उनकी कसम और कहिए कि नहीं लिए आपने डकार। पागल है क्या तुम्हारी बहू त्रिलोचन?
कोई ईश्वर की कसम लेता है क्या भला? अरे विधाता है देवी माँ, उसने बनाया हमें, एक छोटे से कण के बराबर नहीं है हम देवी माँ के सामने। हमारी हस्ती है क्या जो हम भगवान को कसम के तराजू में तोले? ये पाप कराना चाहती है तुम्हारी बहू हमसे। सही कह रहे हैं आप माँ पंडित जी, माँ भी कहती है कि भगवान की कसम खाना अच्छी बात नहीं है। तो अगर माँ ने बनाया है मुझे जन्म देकर, तो मेरी माँ भी तो मेरी भगवान हुई ना। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ वो मेरी माँ की वजह से, तो मेरे लिए मेरी माँ देवी माँ से कम हुई क्या? नहीं ना। तो जब आप अपनी दुर्गा माँ की कसम नहीं खा सकते, तो भला मैं अपनी देवी माँ को कसम के तराजू में तोल सकती हूँ? ये गलत नहीं होगा क्या? मुझे पाप नहीं लगेगा महापंडित जी? माँ भूखी रहकर हमें पेट भर खाना खिलाती, माँ जागती पर लोरी गाकर हमें सुलाती, धूप हो सर पर तो छाया बन जाती, हमारी खुशी पे खुद के आंसू पी जाती, उसके बच्चे ही बस उसके काम। माँ है सबसे महान, हर पोथी में मिलेगा बस यही ज्ञान, पूजो उसको है वो भगवान, पाँव में उसके जैसे चारों धाम, मेरी माँ है मेरी भगवान। और कुछ पूछना है आपको महापंडित जी? नहीं, जा सकती हो तुम। हम भी चलते हैं त्रिलोचन बाबू, एकादशी महापूजा का मुहूर्त 2 दिन बाद सुबह 9 बजे है, तो 7 बजे आकर स्थापना कर देंगे। और हाँ, पूजा से पहले ये भी जांचेंगे कि घर पूरी तरह शुद्ध है या नहीं। आज तुम्हारी बहू ने तर्क कुतर्क करके बात बदल दी, पर अगर उसने एकादशी वाले दिन कोई भी समस्या की तो देर नहीं करेंगे हम पूजा का सौभाग्य किसी और को देने में। हम तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे, बोंदता को इस घर से निकालना बहुत आसान है, हमें बस महापंडित को ये पता लगवाना है कि बोंदता रात को नींद में बिस्तर गीला करती है। यहाँ काका के हाथ से महापूजा छूटी और वहाँ काका निकालेंगे बोंदता को इस हवेली से बाहर। हमें तो लगा था कि समझदार होगी तुम, विदेशी और हमारी दोनों संस्कृति और संस्कारों को जानती होगी तुम, पर नहीं, हम ही गलत निकले। नहीं तो ऐसा बेकार सा ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे दिमाग में सौदामिनी? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? एकादशी की पूजा अचानक आपके लिए इतनी जरूरी कब से हो गई? हमें तो लगा आप विलायती सोच रखते हैं, अंग्रेजी सभ्यताओं को मानते हैं, हमारी परंपरा और रीति रिवाजों से आपको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर त्रिलोचनदा हमारे बड़े भाई हैं। कल को समाज में हमारे बड़े भाई का सर अगर शर्म से झुकेगा तो फर्क पड़ता है हमें सौदामिनी। उस लड़की की वजह से त्रिलोचन दास से माँ पूजा का सम्मान छिन गया तो कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। त्रिलोचन दास की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस महापूजा से और उनकी भावनाओं को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं हम। और वैसे भी महापूजा होगी तो रॉय चौधरियों का सम्मान नहीं बढ़ेगा क्या? और बताओ इससे किसकी जमींदारी को फायदा होगा? हमारी ना इतना नहीं जानती हो कि इस पूजा को किसान लोग कितना मानते हैं? कल को रॉय चौधरी ये पूजा नहीं करते हैं और अकाल पड़ जाता है इस देश में तो इसका दोष किसके सर पर मढ़ा जाएगा? हमारे ही ना। जरा सी भी सोच तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्यों?
सॉरी अंकल, बंदिता को अनिरुद्ध की जिंदगी से जल्द भगाने के चक्कर में अपने दिमाग पर काबू नहीं रहा। सौदामिनी, ये समय चोट पहुंचाने का नहीं है, ये समय है चुपचाप बैठकर तमाशा देखने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंदिता की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तुम देखना, एकादशी तक अनिरुद्ध बंदिता की इस बीमारी को नहीं ठीक कर पाएगा और फिर शर्त हार कर उसे बंदिता को हमेशा के लिए उसके गांव छोड़कर आना ही होगा। और फिर तुम आओगी हमारे घर में, हमारे परिवार में, रॉय चौधरी की बहू बनकर। आखिर अब जाकर मेरा सपना पूरा होगा। अब होगी बंदिता इस घर से बाहर और मैं बनूंगी इस घर की बहू, सौदामिनी रॉय चौधरी, और करूंगी इस घर और अनिरुद्ध के दिल पर राज। चोर घुसाया क्या? हजार बार बोला है ये बिहारी को, दरवाजा ढंग से बंद किया करो। अनिरुद्ध, खुद को चोट पहुंचाए बिना कोई काम नहीं कर सकते क्या तुम? और इस वक्त यहाँ रसोई घर में क्या कर रहे हो अनिरुद्ध तुम? बंदिता के लिए दवा बना रहा हूँ काका, आयुर्वेदिक किताब से पढ़ के। अनिरुद्ध, अपने पागलपन में ये क्या हाल बना लिया है तुमने? रात रात भर सोते नहीं हो बेटा? इस तरह हमेशा चिंता में डूबे रहना सही है क्या? सोए तो आप ही नहीं ना काका, आपको किस बात की चिंता सता रही है? मैं तो जानता हूँ, एकादशी की महापूजा बहुत महत्व रखती है आपके लिए। आपने उसे अपने मान सम्मान से जोड़ लिया है, विश्वास करिए आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। बंदिता की परेशानी दूर करने के लिए चाहे जो करना पड़े करूंगा। बाबा की चुनौती हारने का मन नहीं है मेरा। अनिरुद्ध, और कितनी तकलीफ उठाओगे बेटा? अब ना ये जिद छोड़ दो। अनिरुद्ध, कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर सवाल का जवाब मिल ही जाए। नहीं काका, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब हो ही ना। जरूरत है बस ढूंढने की। पता है ये बात किसने कही थी मुझसे? मैंने बंदिता ने। आप तो जमींदार हैं, आपसे कोई सवाल पूछता ही नहीं तो आप क्यों जवाब ढूंढेंगे भला? पर मैं बंदिता के हर सवाल का जवाब ढूंढने निकला हूं। हाँ।
पति बाबू, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाया हूँ मोनिता, पी लो इसे। लेकिन काढ़ा तो बहुत कड़वा होता है। पी लो ना मोनिता। बहुत समय के गर्म है मोनिता। नहीं देखी जाती अनिरुद्ध की तकलीफ, चुनौती। अगर हार गया तो पता नहीं सह भी पाएगा या नहीं, टूट जाएगा। और उसे टूटते हुए मैं नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। अरे तो अच्छा है ना पंडिता, नाक बंद करो और पी लो पूरा, पता भी नहीं चलेगा। पूरा पीजो। कड़वा है ये काढ़ा। बताया नहीं था आपको कि कड़वी चीजें अच्छी नहीं लगती मुझे, उल्टी हो जाती है। उल्टी सीधी बातें करने से परेशानी नहीं होती बंदिता तुम्हें? रसोगुल्ले की हांडिया रख दो सामने तो सोचोगी खाने से उल्टी होगी या नहीं होगी? अपना बिस्तर गीला करने की परेशानी दूर करनी है या नहीं तुम्हें? करनी है ना, फिर डॉक्टर के पास नहीं जाओगी, काढ़ा नहीं पियोगी तो कैसे होगी परेशानी दूर? देखो बंदिता, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी इस लड़ाई में तो अकेला कुछ कर पाऊंगा क्या मैं? यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है, वहां काका चिंता में आधे हुए जा रहे हैं। जानती हो ना तुम, काका की भावनाएं जुड़ी हैं एकादशी की महापूजा से। कैसा नहीं हो सकता कि आप दहेज की 5 बकरियों का लालच छोड़ दें? सौरव और संपूर्णा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, अगर उनका घर बसेगा तो जीवन भर बहू ही तो आपकी सेवा करेगी। कल पोयला बैशाख है, नवो वर्ष, क्या आप नई शुरुआत नहीं कर सकती? सेवा करने के लिए है ना एक चाकर, तुम मुझे फिर दूसरे चाकर की क्या जरूरत? इसलिए बहू मुझे तभी पसंद आएगी जब दहेज की 5 बकरियां लाएगी, तो तब तक बहू का संसार मैं नहीं बसने दूंगी। आप अंधी हो गई है अपनी जिद में, बच्चों की खुशियां भी नहीं दिखाई देती। लेकिन याद रखिएगा, आपका जोर सिर्फ बेटे पर चल सकता है, उसके भाग्य पर नहीं। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ आ रही है। वो कहावत है ना, जहां साथ हो पति पत्नी वहां दुष्ट सास की मुश्किल है चलनी। अनिरुद्ध बेचारा पागलों जैसे कोशिश कर रहा है बहू की परेशानी दूर करने के लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम दिन में सिर्फ 8 बार पानी पी सकती हो और हर बार सिर्फ 2 ग्लास, और शाम 6 बजे के बाद तुम पानी को छुओगी भी नहीं। तुम्हारा आज से मीठा और नमकीन खाना बंद, ये रसोगुल्ले लड्डू नमकीन सब कुछ बंद।
मैं बंदिता को कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा क्योंकि इसका इलाज दवा है। पर वो लड़की है कि अपनी शैतानी से बाज ही नहीं आती, हर बार अपने कुतर्कों से कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। मैं हूँ इस घर की मालकिन। बिना आज्ञा के मेरी पूजा के सामान को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। हाँ, न्याय करेगी औरत, सबक भी सिखाएगी और जरूरत पड़ी तो दंड भी देगी औरत। कैसे बिस्तर गीला कर दिया मैंने? लेकिन जो भी हो, विवाह किया है अनिल ने बोंदिता से, इस पवित्र रिश्ते को झुठला नहीं सकता मैं। छोड़ो, अपने अपवित्र हाथों से हमें छूने का तो साहस कैसे किया तुमने? आपका हाथ ना पकड़ती तो गिर जाते आप पानी में, चोट लग जाती आपको। बस 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 बस, ठीक है ठीक है। दंड देना है दे दीजिए मुझे काका ससुर जी, पर पति बाबू को दवा लगाने में मेरी मदद करेंगे ना? नहीं जी, नहीं, जो आप बोले मालिक। चाहे जो भी हो, बोंदिता ही अनिरुद्ध की पत्नी और इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। अरे बोंदिता की समस्या से अनिरुद्ध को जो तकलीफ हो रही है, अगर वो हार गया टूट गया हम ये देख सकते हैं क्या? और अगर महापूजा में कोई विघ्न आया तो हम जिंदा बचेंगे क्या? हाँ हाँ, कुछ तो ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप क्या करेंगे बड़े मालिक? कल पहला बैशाख है, कल सब ठीक हो जाएगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.